मंत्रोच्चार, घंटा घड़ियाल, शंखनाद, ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा पाठ के बीच नए सिरे से कानूनी जंग शुरू हो गई है। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच आज दोपहर करीब 12 बजे मामले की सुनवाई करेगी। इंतजामिया कमेटी की याचिका के खिलाफ हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल की है। अपनी याचिका में मुस्लिम पक्ष ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जिला कोर्ट का फैसला 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए, तो ये सरासर गलत फैसला है। एवैसी साहब मेंबर हैं सर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, क्या मतलब है? अगर मतलब कोई आदमी जो है अगर पॉलिटिकल है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ा हुआ है तो अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देगा क्या? हमारा ये मत है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार करना चाहिए था। ये सिलसिले अब मस्जिदों के डिमोलिशन के बंद होने चाहिए।